अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज आपको जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बताना है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है इन इदारों का जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न गैर तजारती इदारे, इसके बारे में पहले जिस तरह आपको जो है वो बताया गया है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर जो है वो दो चीजें जो है उनको तैयार की जाती है। इसके अंदर एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और दूसरी जो है इसकी बैलेंस शीट जो है वो तैयार की जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाते हुए जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो हमने पेशे नजर रखनी है कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए जो है वो रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। रिसीट साइड पर मुख्तलिफ जराय से जो वसूली होती है वो फाइनेंस की जाती है और पेमेंट साइड पर इदारा जो मुख्तलिफ किस्म की अदायगियां जो है वो करता है उनको जो है दर्ज किया जाता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त अखराजात को जो है वो डेबिट साइड पर लिखते हैं और आमदनियों को जो है वो क्रेडिट साइड पर जो है वो दर्ज करते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की दोनों साइड अकाउंट जो है वो कैश इन एंड कैश एट बैंक अगर दिया गया हो तो इसको जो है वो दर्ज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो है वो कैश इन एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दोनों जो है वो दर्ज नहीं किए जाते। अखराजात को डेबिट साइड पर दर्ज करेंगे और आमदनी को जो है वो क्रेडिट साइड पर दर्ज करेंगे। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर इदारा जो मुख्तलिफ किस्म की वसूलियां करता है जिनको इनकम्स कहते हैं उन आमदनियों के अंदर जो है वो सबसे पहली बात हमारे पास के ऊपर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो लोग जो इन इदारों के जो है वो मेंबर बनते हैं तो वो एक जो है वो बाकायदगी से एक चंदा जो है वो अदा करते रहते हैं। तो ये जो है इसकी कारोबार की जो है वो इनकम होती है। नंबर टू के ऊपर है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इदारे की एक ऐसी वसूली है कि जब कोई आदमी जो है वो क्लब का मेंबर बनता है तो मेंबर बनने के बाद उसका जो एडमिशन फीस है समझने के एडमिशन फीस के तौर पर जो रकम अदा करता है उसको जो है एंट्रेंस फीस कहते हैं और बाद का एंट्रेंस फीस होता है और बाद का जो है वो एडमिशन फीस भी लिखा होता है वहां पर। और नंबर चार के ऊपर है डोनेशन। डोनेशन जो है मुख्तलिफ किस्म के अतियात हैं जो मुख्तलिफ किस्म के इदारों की तरफ से या मुख्तलिफ किस्म के मुखय्यर हजरात की तरफ से जो है वो इन इदारों को जो है वो अतिये के तौर पर जो है वो दिए जाते हैं। नंबर पांच के ऊपर है लेगेसीज। इससे मुराद वो रकम है जो कोई आदमी फौत हो जाता है और अपनी वसीयत कर जाता है कि इतनी रकम जो है वो फलाने इदारे को दी जाए। तो ये रकम जो वसीयत के तौर पर किसी इदारे को वसूल होती है किसी मरहूम आदमी की तरफ से तो उसको जो है वो लेगेसी कहते हैं। लाइफ मेंबर फीस। वो लोग जो इन इदारों के जो है वो मेंबर बनते हैं तो बाद जो है वो अपनी पूरी लाइफ की पूरी जिंदगी के लिए वो इकट्ठी रकम जो है वो सारी की सारी जो है वो अदा कर देते हैं तो उसको लाइफ मेंबर फीस कहते हैं। लॉकर रेंट।
नॉन ट्रेडिंग फंड के अंदर बाज इदारे ऐसे होते हैं जिनके पास जो है वो लाखा रखते होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग जो अपने कीमती दस्तावेजात या जो है वो जेवरात वगैरह जो है वो इन लाकर के अंदर रखते हैं, तो उन लाकर की सूरत में रेंट के ऊपर जो इदारा देता है तो उससे जो रकम मिलती है तो वो भी इनकी जो है वो आमदनी होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद अगर इस इदारे ने किसी दूसरी जगह जो है वो कोई सरमाकारी की हुई है तो सरमाकारी की सूरत में वहां से उसको जो है वो प्रॉफिट या सूद वगैरह जो मिलता है तो वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बास गैर तजारी इदारों ने जो है वो सरकारी कफाकतें खरीद की हुई है तो उन सरकारी कफाकतों के ऊपर जो है उनको कोई सूद वगैरह मिलता है, सूद वगैरह मिलता है तो उसको जो है वो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो है वो आमदनी जो उनको मिलती है तो वो भी इदारों की जो है वो इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से मुराद है कि अगर इदारे की जो है वो कोई रकम बैंक के अंदर जमा है तो जमा शुदा रकम के ऊपर जो है वो इदारे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की सूरत में जो है वो कारोबार की जो है वो भी इनकम होती है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कारोबार को जो आमदनी हासिल होती है तो ये चंद एक जो है वो आपको जो है वो लिख कर जो है वो दी है। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, तो मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सपेंडिचर होते हैं एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो सैलरीज, इदारे के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग जो काम कर रहे हैं उनको जो तनख्वाहें अदा की जाती हैं, इस तरह मजदूरियां जो है वेजेस, मुख्तलिफ किस्म के जो कोई अगर वहां पर जाए किसी आदमी से जो है वो काम वगैरह जो करवाया जाता है तो उसको जो मजदूरी अदा की जाती है, इसी तरह रेंट है यानी मकान का किराया वगैरह, इंश्योरेंस बीमा की जब कोई रकम वगैरह जब अदा की जाती है, एडवर्टाइजिंग है इश्तहारबाजी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, मुख्तलिफ किस्म के अखराजात हैं जो अदा किए जाते हैं। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट जब हमें दिया जाएगा तो रिसीव पेमेंट अकाउंट से हमने जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाना होता है तो उसमें बस आमदनियां जो है इनमें से जो है वो कुछ रिसीव पेमेंट अकाउंट जो हमें जो है वो दिया जाता है तो उसके अंदर जो है हमने ये देखना है कि इसमें पिछले साल की, आने वाले साल की और मौजूदा साल के कुछ खर्चात होते हैं, कुछ पिछले साल के वसूल करने से रह जाते हैं, कुछ मौजूदा साल की तरह आमदनी वसूलियां जो है अखराजात और आमदनी जो है
रह जाती हैं, कुछ एडवांस जो है वो अदा कर दिए जाते हैं। तो इनका जो है वो तरीकेकार भी आपको जो है वो लिखवा दिया है। तो पिछले साल की अगर कोई आमदनी जो है, पिछले साल की जो मुख्तलिफ किस्म की आमदनी जो है हमने एडवांस जो है वो वसूल नहीं की, उनको मुतलक आमदनियों में से जो है वो नफी किया जाता है। इसी तरह मौजूदा साल की कोई आमदनी जो अभी हमें वसूल नहीं हुई है तो उसको मौजूदा साल की आमदनी के अंदर जो है वो जमा किया जाएगा, और कोई आमदनी अगर एडवांस हासिल कर ली जाती है अगले साल की तो वो मुतलक आमदनी में से जो है वो नफी कर दी जाती है। इसी तरह पिछले साल का कोई खर्चा जो है जो हमने अदा नहीं किया था तो उसको जो है वो मौजूदा साल के खर्चा जो दिए हुए हैं उनमें से जो है वो नफी कर देंगे, और मौजूदा साल का खर्चा जो हमने कभी कोई अदा नहीं किया तो उसके अंदर जमा किया जाता है, और आने वाले साल का खर्चा जो हमने एडवांस वसूल कर लिया है वो उसमें से जो है वो माइनस कर लिया जाता है। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ये आमदनी और वसूलियाँ जो है दी गई है। तो आप एक इलस्ट्रेशन जो है वो आपको जो है वो देखें उसको जो है वो कैसे जो है वो हल किया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर वन देखें, पेज नंबर है 57 के ऊपर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड द कैश इन हैंड सब्सक्रिप्शंस डोनेशंस एंट्रेंस फीस लॉकर रेंट प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर इंडोमेंट फंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पेमेंट साइड में है रेंट एंड टैक्सेस पोस्टेज लाइट एंड हीट इंटरेस्ट पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सैलरीज एंड वेजेस रिपेयर्स कैश इन हैंड। तो अब हमने इससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो रिसीट साइड जो है इसमें हमने उसमें से जो आमदनी है वो लेनी है, कैश इन हैंड जो साल के शुरू के अंदर जो है वो दिया हुआ है इसको इनकम वाली साइड पर जो है वो नहीं लिखेंगे। इसी तरह पेमेंट साइड पर जो कैश इन हैंड लिखा हुआ है इसको जो है वो खर्चों वाली साइड पर दर्ज नहीं करेंगे। तो अब इसका हल देखें, सबसे पहले ऊपर जो है वो इदारे का नाम लिखना है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर डेट लिखनी है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। अब डेबिट साइड पर जो है एक्सपेंडिचर है तो पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर जो लिए जाएंगे, रेंट एंड टैक्सेस जो है उसका 5,000, पोस्टेज जो है उसका 1,000, लाइट एंड हीट उसका जो है वो 700 रुपये, इंटरेस्ट पेड जो है उसका जो है वो 500 रुपये। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है उसके 1200 रुपये लिखेंगे, सैलरी एंड वेजेस के जो है वो 500 रुपये, रिपेयर्स के जो है वो 600 रुपये। तो आमदनी वाली साइड पर ये सब्सक्रिप्शन जो है ये लिखेंगे 20,000 रुपये, और उसके बाद डोनेशन जो है उसके जो है वो 3,000 रुपये, इंट्रांस फीस जो है वो 7,000 रुपये, लॉकर रेंट के जो है वो 15,000 रुपये, प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर जो है वो 7,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो है वो 1,000 रुपये। तो अब इसकी ये दोनों साइडों पर जो है वो टोटल किया गया, दोनों साइडों पर जो है वो 53,000 जो है वो बनाया। अब इसका तरीकेकार जो है ये है कि जब इसका जो है वो नफा और जो है अखराजात जो है उनका जो है वो टोटल किया जाता है और आमदनी का जो है वो टोटल किया जाता है। उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि अगर अखराजात जो है वो कम हो और आमदनी जो है वो ज्यादा हो, तो आमदनी का जो टोटल है वो 53,000 है, उसमें से जो है वो तमाम अखराजात जो है वो नफी किए हैं, तो इसमें 39,000 रुपये का जो डिफरेंस है इसको जो है वो सरप्लस से शो किया जाता है। यानी अखराजात जो है वो कारोबार के थोड़े हैं और आमदनी जो है वो ज्यादा है, तो ये सरप्लस 39,000 रुपये।
जिसको जो है एक्साइज बाल उतार एक्साइज ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ये लिखा जाता है। अगर फर्ज करेंगे कारोबार के अखराजात जो है वो बढ़ जाए तो फर्क को फिर क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है और उसको जो है वो डेफिसिट के नाम से जो है वो शो करते हैं। और बाद इसको जो है वो एक्साइज ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर जो है वो इनकम लिखा जाता है। तो इस तरह जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कारोबार का जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो आज ये इसका जो है वो इब्तदा हुए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो फिर आज इतना ही आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है इसी को देखेंगे और इसका जो है वो तरीकेकार प्रदान करेंगे। तो कल आपको जो है वो एक्सरसाइज वगैरह जो है वो जाएगा।